नर्मदा माई दे विच बहिंदा बहिंदा कोई तिनका किसे शिवलिंग दे उत्ते टिक जे किवें महसूस करूगा, उस तरह सिद्धू तुहाडे विच आके अज महसूस कर रहा मैं। मेरी तो औकात ही कोई नहीं, मैं तो पहला कहना साडी सब तो वड्डी संपदा, साडा सब तो वड्डा खजाना, साडी सब तो वड्डी इज्जत, साडी पग पंजाब कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता है, एक एक वर्कर है जिहड़ा मेरे मूहरे बैठा है। ते मैं जिवें अणु तो बिना परमाणु नहीं बनता, व्यक्ति बिना समाज नहीं बनता, उस तरह बगैर वर्कर दे सहयोग दे कोई MLA नहीं बनता, कोई MP नहीं बनता, कोई सरकार नहीं बनती। याद रखे मेरी, जे सरकार बनानी है तो इन्हें वड्डे लोगों को इज्जत देनी पैनी है। जे मैं लड़दा तो थोड़े खातर लड़दा। आ मनप्रीत भाजी बड़े शेर सुना, अज मैं भी सुनाऊ अपने कार्यकर्ता के उत्ते शेर टका के सुनाऊ। ओ मित्रो, शेर तो बाद दी गल है। मैं कहना नवजोत सिंह सिद्धू वर्गे कई आने, कई जने लीडर समुंदर च जिवें किश्ती हुंदी है ना, उवें आने हैं, टुट भज जाने हैं, लेकिन कांग्रेस का वर्कर समुंदर वांग सदा रहना है। सारी कायनात परे हो जाए पर वर्कर सदा रहना। लो हुण मनप्रीत भाजी थोड़े तो सिख के एक शेर सुनाउण लगे, इन्हां वड्डे लोकां लई, वड्डे लोकां लई जिन्हां च आके मैं अपनी पहचान भुल जांदा। कहिंदे परखने से कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, बड़े लोगों से मिलना हो तो थोड़ा फासला रखना, दरिया जहां समंदर में मिला दरिया नहीं रहता। मैं आज इस पंडाल दे विच ऐलान कर रहा, सरकार अज ही बन जानी है, सरकार अज ही बन जानी है। और उस ऐलान दे नाल मैं ये कहना कि अज 5000 दे करीब, मैं आशू तो भी पूछिया, 5000 दे करीब चेयरमैनियां, मार्केट कमेटियां, होर लल्ला पब्बा ये अहुदे ने, ये अहुदे ने 5000 लाओ। जड़े जड़े वर्कर काम करने वाले ने, जड़े जड़े वर्कर मैरिट वाले ने, अज 4 महीने पहला सरकार बनने तो पहला उन्हों का ऐलान कर दो, उन्होंने आश्वासन दे दो सरकार हमने बन चुकी है इसे वे। बोलो सही कहना, फिर नारा लाओ एक, बोले सो निहाल। सरकार उदन बनू जिदन इस वर्कर इज्जत मिलू, जिदन यह वर्कर आपके घरे रुस के बह गया सरकार उस दिन उलट जू। मैं तुहानू कह रहा कि जे पहला राहुल जी तो साइन करा के हरीश जी बैठे है, इतने वड्डे वड्डे लोग बैठे है, चरणजीत चन्नी साहब बैठे है, पिछली बार ऐलान हुए सी लेकिन मुकर गए, पैसे दे के चेयरमैनिया लगिया, वर्कर रुक गया, अज फिर वर्कर खड़ा होया। अज चन्नी ने जब मुद्दे खोए है ता खड़ा होया। बोलो आम आदमी पार्टी वाले बिल फाड़ते फिरते कि नहीं फिरते, दसो फाड़ते कि नहीं फिरते, फाड़ते ना, तो फिर वह मुद्दा किने खोया? चरणजीत चन्नी ने फ्री बिजली दी है, ठोको ताड़ी टका के ठोको दी कि नहीं दी, लाल डोरे वाली जमीन दी कि नहीं दी। हां रेता फ्री करन दी गल जरूर की है, पर रेता अज भी 3400 नहीं मिलता ना, देख लो जड़ा कीड़ी वाला रेता 3400 नूं मिलता। लेकिन यह जहा सिस्टम बनाऊ, आ बिट्टू नाल बैठ के, आशू नाल बैठ के, इत्थे पतवंते लोकां नाल बैठ के बेनीवा कर दियो, सिद्धू नूं जमीने पा दियो, अस्तीफे दऊं, लेकिन रेता पंजाब दे विच हजार तो उत्ते विकणी दऊं नहीं। यह 3400 वाली ट्राली मुकू, नहीं तो सिद्धू नहीं आउंदा, मुकू नहीं नहीं आता। मैं कहना ठोक के कहना, छाती टका के कहना। और मैं
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਮਿੱਤਰਾ ਅਲਾ ਬੈਲਾ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਬੈਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰਾਣੀ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸਟੇਟ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਤਰੂਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲੀਏ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹ ਰੀਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੜੇ ਕੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਟਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਯਾਰੋ ਮਟਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਨਾ ਮਟਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੇਖੋ ਜੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਦੂ ਜੇ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਚਲਾਊ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਨੇ ਹੋ 75% ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਲਾਹੂ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੇ ਸੌਫਟ ਲੋਨ ਨਾਲ ਲਾਉਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਜੀ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਊਂਗਾ ਚੰਨੀ ਬਾਈ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੂਗਾ ਲਿਖ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਟਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਰਿਵਰਸ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਰਿਵਰਸ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਸਿਵਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਲੋਕ ਡਲੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜਨਗੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੂਣਾ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਕਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਕਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਊ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਪਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ETT ਦਾ ਟੀਚਰ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਪਾਣਾ ਜੇ ਹੋਵੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਸਰਪਲਸ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਮਿਟ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਊਗੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ 2000 ਬੰਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ 60% ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੱਜ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ ਔਰ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਲਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ MLA ਖੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਰਵੇ ਦੇਖਿਆ 5-5 ਸਰਵੇ ਕਰਾਏ ਆ ਤੇ 5-5 ਸਰਵੇ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਅੱਜ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੜਵਲ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਐਤਕੀ ਠੋਕ ਕੇ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੜਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੜਾ ਕਰੰਟ ਵੱਜਦਾ ਠਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ
एक नीला समुंदर बनावांगे। जे नवजोत सिंह सिद्धू सब कुछ हरसदा प्रधान जी लैके मैं तुहानू आश्वासन दिना जिन्ना कार्यकर्ता है मेरी पग दा लाड़ा मैं सारियां एडजस्ट करूंगा, सारियां काम दूंगा। नीले समुंदर दे विच हरेक दे लई तैरन दी जगह होगी। इहनू लाल ना करो, इहनू एक दूजे नूं वज टुक ना करो, एक दूजे नूं नीवा ना करो। कांग्रेस नूं दुनिया च कोई नहीं हरा सकता जे कांग्रेस आपदे आप नूं ना हरावे। जे कांग्रेस आपदे आप नूं ना हरावे, लीडर हरा सकदा कांग्रेस नूं, पर कार्यकर्ता वर्कर कदे नहीं हरांदा, वर्कर जिताउंदा। वर्कर घरों कढांगे और जिताउंगे। इंडस्ट्री लुधियाने की वापस लियावांगे। सरदार मनमोहन सिंह ने इस इंडस्ट्री नूं कायम कीता सी। किदां कायम कीता सी? उन्हें बेस जिथे जिहड़ा सीगा वह रखिया। वह बेस की है भाई? हौजरी इत्थे सी ते इत्थे ही हौजरी बधाई। ते जे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री जलंधर सी उत्थे ही स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पनपी। इस करके इसे तरीके दे नाल कलस्टर बना के इनवैसटमेंटा लिया के शहर की चाहता है, बिजनेस चाहता है, शहर अमनवान चाहता है, शहर डरावे नहीं चाहता। तो जिहड़े पहला मुख्यमंत्री सी वह रबड़ दे गुड्डे बन के नचे, मोदी के हत्थां च नचे, हैं ट्रस्टां करके नचे, बाहां मरोड़ के नचाए। बोलो नचाए कि नहीं नचाए? हैं ते उन्हां खातर ही अज उन्हां खातर उन्हां नूं बदल के ही असीं अज चन्नी लियाए, चन्नी लियाए। ठोको ताड़ी ठका के। ये उम्मीद मैं लेके आया। मैं कहना मैनू कुछ ना दियो ना चाहिए, लेकिन मैं पंजाब दे लोकां नाल धोखा नहीं करांगा। पंजाब दे लोकां नूं झूठ नहीं बोलूंगा, लॉलीपॉप नहीं वंडन दूंगा। पंजाब की इकोनमी दोबारा अगर खड़ी करनी है तो पंजाब की इकोनमी के लिए एक रोड मैप चाहिए। तो अज केजरीवाल साहब भी आ रहे हैं। मैं कहना उन्होंने हर सवाल का जवाब पंजाब मॉडल है, पंजाब मॉडल। और पंजाब मॉडल ठा करता वजू, जोड़े सवाल को पूछू उही वजू। कहते ही बिजली मैं 6 महीने का चीका मारदा कि टैरिफ घटा दौ। टैरिफ घटाया नहीं साढ़े चीफ मिनिस्टर ने, घटाया। लेकिन केजरीवाल साहब को पूछो तुम किसानों को कि सबसिडी दें? पूछो, असी दें 8000 करोड़ रुपया। हिंदुस्तान की धरती के उत्ते अज तक कोई यह सूबा नहीं होया जिन्हें किसानों 8000 करोड़ रुपये सबसिडी दी। ठोक के मारो ताड़ी, असी टका के। कोई सूबा यह नहीं है। मैं थोनू कहना कि अज हिंदुस्तान की धरती के उत्ते कोई दूजा सूबा दिखा दौ, मैनू दिखा दौ जिहड़ा टोटल सबसिडियां 12000 करोड़ दी दिंदा होवे। थोनू इंडस्ट्री वाले नू भी जोड़ी बिजली दिंदे है, बिजली दिल्ली च 12-13 रुपये है। इंडस्ट्री वाले नू मैं कहना छाती ठोक के जिथे मर्जी कर लैन मेरा बहस। तो पंजाब च 8 रुपये हैगी है, तो जुम्मा दियो जे अगली बार इनकम ना लिया के 5 रुपये ना की तो सिद्धू ना ना रखियो। जाओ कहो ये कादियां गल्लां करदे आ, ये कहड़ा झूठ मारदे आ। अगे 26 लाख नौकरी दूं, क्यों बरोटा लगे जिथों नोट पट के लियाएगा? है शीला दीक्षित ने दिता राज, शीला दीक्षित ने दिता समृद्ध राज। वो साड़ी चीफ मिनिस्टर सी 3 बार दी, एक समृद्ध राज, एक सैल्फ सफिशेंट राज, इंडस्ट्री तकड़ी की हुई वो राज। ते आज थोड़े को सब कुछ है, तुम पंजाब नू कंपेयर करते हो? पंजाब ते 7 लाख करोड़ रुपये का कर्जा है। किहड़ा रोड मैप है जिहड़ा पंजाब नू कढ़ू? किहड़ा रोड मैप है? मैं कहना 25 साल तो बादलों ने लुटिया, माफिया राज करता रहा। रेता केबल थोड़े प्यो की जमीन है, जिहड़ियां तारां पईयां केबल दियां किहदियां ने? पंजाब दियां। बसां, 2 बसां सी भैड़े भैड़े यार मेरी फतो दे, 2 बसां तो ठोको ठोको टका के ठोको, परवाह नहीं करदे। 2 बसां तो 6000 बसां कर लिया, 6000 बसां कर लिया इन्हां लोकां ने। आ जिन्ने मुलाजम ने ये सड़कां दे आ गए, किसानी साडी बेइज्जती। कौन लिया CFCI? कांग्रेस। कौन लिया PDS? गरीबों नूं 67000 गरीबों नूं सस्ता अनाज देना, कांग्रेस। कौन लिया MSP? कांग्रेस। कौन लिया फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया जिन्हों खत्म कर रहे ने और किसानों नूं हथ झूठे दे रहे ने? कांग्रेस लिया। जे एक चीज लिया दसो
सब कुछ खोलिया। इस करके मैं तुहानू कहना आज जीएसटी दे रिफंड ही दे दे, अज भाई जी जीएसटी दे रिफंड ही दे दियो ते व्यापारी बल्ले बल्ले करूगा। करूगा कि नहीं करूगा, दसो, ठोको टका के ठोको। वैट दे रिफंड दे दियो ते व्यापारी जय जयकार करूगा। क्यों? सरकार की इनकम बढ़ानी पऊ, सरकार की इनकम बढ़ानी पऊ, तो इनकम बढ़ू। पंजाब मॉडल ये नहीं कहना बई खजाना खाली है, पंजाब मॉडल ये कहना भी ऐदा भरना ऐदा, तो दे दो 5,000 ओदे जड़े पैसे लेके दिते गए, 10-10 करोड़ 5-5 करोड़ लेके दिते गए, दे दो इन्हें कार्यकर्ता साड़ी पग नू दे दो। ला जे ना इलेक्शन पहला पाउंदी जिताऊ तो नाम नवजोत सिंह सिद्धू ना रखियो। 3 फेजेस दे विच असी सरकार लेके आवांगे। 25 साल बर्बादी, 25 साल लुट, 25 साल लुट दे नाल कसुट, ते हुण आ 3 महीनियां च बदलाव, ये 3 महीनियां च बेहतरी। लेकिन अज भी इनकम है नहीं, अज भी उह सुविधा जिहड़ी अनाउंस कीती आ उह मिलदी नहीं। इस करके हुण इह फिक्सिंग मैकेनिज़म शुरू होया। चंपा के 10 फूल, चमेली की एक कली, मूरख की रात सारी रात, चन्नी की एक घड़ी, चन्नी की एक घड़ी ठोको ताड़ी। ये 3 महीने जो होया वो 4.5 साल च होया, दसो नहीं होया ना। हुण जे कार्यकर्ता दी बांह फड़ी, जे इनकम वधाई, ते अगला जिहड़ा इलेक्शन है वो ना नवजोत सिंह सिद्धू लई है, ना इस लीडरशिप लई है। अगला जिहड़ा इलेक्शन है वो पंजाब ते पंजाब दी आउण वाली पीढ़ी दे लई इलेक्शन लड़ रहा मैं, अगली पीढ़ी दे लई इलेक्शन। जे नवजोत सिंह सिद्धू ने पग समझ के इलेक्शन ना लड़िया, जे नवजोत सिंह सिद्धू सच्चा होकर थोड़े सामने ना आया, जे नवजोत सिंह सिद्धू थोड़े कोल एक भी झूठ बोल गया, थोनू गुमराह कर गया, थोनू किसे पासों भी अगवा होण दिता और थोनू आगाह ना किया, तो नवजोत सिंह सिद्धू सरदार भगवंत सिंह सिद्धू स्वतंत्रता सेनानी का पुत ना कही मेरे जा। नहीं नाचन दूंगा मैं पंजाब नू, नहीं पंजाब नू ऐतकी भटकन देना, मुद्दों से घरीस के लिया बाला तो फड़ फड़ के लिया, लेकिन मुद्दों से लेके आऊं और मुद्दों से इलेक्शन हो। 13 बाबा नानक ने तोलिया उथे गया, तो उथे जाके क्या कि ऐतकी 13 पॉइंट देंगे जे पार्टी मनी, प्रियंका जी और राहुल जी मने, हमेशा ही मनते रहे हैं, तो मेरी जिंदगी उन्होंने अर्पित है। ये जड़े छुरलियां छड़ते ना, छुरलियां छड़ते हैं, उन्होंने कह दो कि नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी प्रियंका गांधी का है, सी मरते दम तक रहूगा। भुल जाओ, ये भुल जाओ, ये इलेक्शन, ये इलेक्शन ईमान ते हराम का इलेक्शन, जड़ा पंजाब नू गिरवी रख के पैसा मिले, जड़ा पंजाब नू पंजाब दियां जमीनां गिरवी रख के, मुंसिपल कमेटियां गिरवी रख के, पंजाब दे एक एक बछिंडे नू गिरवी रख के जड़ा पैसा आवे वह हराम है, जड़ा माइनिंग का पैसा आवे लोगों दी जेबां जावे हराम है, जड़ा केबल का पैसा जावे और सप्लाई होवे और उपर वड्डे वड्डे बंदियां नू जावे हराम है, ते जड़ा इनकम का पैसा आवे रेते का पैसा डिगे ट्रेजर च, ते फिर केबल का पैसा डिगे प्रेजर 15 दिन च सही कर दूंगा, ओ ईमान है, ईमान ईमान। ते ऐतकी सरकार ईमानदारी ते बनू, ऐतकी सरकार नैतिकता की ताकत ते बनू, मॉरल अथॉरिटी ते बनू, ऐतकी सरकार ओ बनू जिहड़ी कार्यकर्ता रल के बनाऊ और तय कर ले हाईकमांड के एजेंडा दे के बनाऊ, तो फिर सारे पंजाब। इस करके मैं तुहाडा धन्नवादी हाँ कि तुसी इन्ना समा मैनू सुनिया, लेकिन एक मैकेनिज़म कार्यकर्ता वास्ते, साडियां धीआं भैणां वास्ते, साडे
बाबा नानक का कहा सो क्यों मंदा आखिए चित जमे राजा। ओ औरतां नूं अज प्रियंका जी ने यूपी दे विच 40% दिता है ते असीं वी 50% म्युनिसिपैलिटियां च दिता है। ते मैं अपने पंजाब मॉडल दे विच कहूंगा, अपने पंजाब मॉडल दे विच कहूंगा और चन्नी नूं नाल बहाऊंगा। साडे जिहड़े जनरल सैकटरी साहब ने बहुत ही वधिया इंसान है, पंजाब दे चप्पे चप्पे नूं समझदे है, पंजाब दी धड़कन नूं समझदे है कि औरतां नूं जे उत्थे 40 मिलिया ते इत्थे 50 मिले, 100 चों 50 मिले। ले छा किवें गया, अज तां बदल ही है नहीं कोई, ऐ किवें छा गया है। इस करके मैं तुहाडा सारिआं दा शुक्रगुजार हाँ ते मैं साडे सारिआं दे चरणां च साफा लाउणा, सारिआं दे चरणां च साफा लाउणा, क्योंकि मैं जाणदा मैं मानदा कि जिवें तिलां च तेल छुपिआ सागर च लहरां फुल्लां च खुशबू गन्ने च गुड़ उस तरह ही परमात्मा तुहाडे अंदर छुपिआ तुसीं ही मेरे लई रब ते मैं तुहाडे लई ही लड़ाई लड़ूंगा। यही धर्म युद्ध है, यही राष्ट्र धर्म है, यही राष्ट्र धर्म है। सिद्धू कुछ भी गवा दूँ लेकिन अपना राष्ट्र धर्म नहीं गवाऊ, सिद्धू पंजाब ना ध्रोह नहीं करूँ, सिद्धू किसी पंजाबी नूं झूठ नहीं बोलू, किसी नूं गुमराह नहीं होण दूंगा। बोले सो निहाल सत श्री अकाल।